शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज ही हम आ चुके हैं अपने नए घर। तो नए घर के अंदर आ चुके हैं हम। आज लगाएंगे अपनी जगह पे सरसों का साग। तो ये जी हमारे साथ अमन बाटा जी हमारे साथ, आज ये ही हमारे साथ हेल्प करवाएगा, काम करवाएगा। उसकी वजह ये है भाईजान, ये बहुत मुश्किल से काबू आया आज, वरना ये हमारे काबू नहीं आता। ये आज कितनी मुश्किल के साथ हमारे काबू आया हमें पता जी। तो इसके साथ वो ये की करना भाई यार, नरम कर लेंगे ना, परेशानी ना हो जाएगी। ये हम रेडी लेके आए हैं जी, इसमें हम मिट्टी डाल के उधर ऊपर हम अपने घर में लेके जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह आज को दिखाने वाले हैं वीडियो में, आज सरसों का साग हम लगाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये आप देख रहे हैं मिट्टी, अमन भट्ट साहब ये खोद रहे हैं, इसको अभी रेहड़ी के अंदर डालेंगे। ऊपर चढ़ जाएगी ना मिट्टी। हाँ ये देखें, आपके आपके अंदर इतना जोर है, वो किस दिन काम आएगा ये जी। ये जो रेहड़ी है वो ऊपर अपने सीढ़ी हमारे घर की देखी हुई है वीडियो में, उसके सीढ़ी वो बहुत क्या उसके बोलते हैं स्लोप बनी हुई है, बहुत ऊंची है। तो ये आसानी के साथ ऊपर नहीं जाएगी, इसका सहारे की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका हमारा सहारा इस वक्त अमन है जी। तो यहाँ ये रस्सी खींचेगा, ये रेहड़ी की रस्सी, ये देखें आप, यहाँ ये खींचेगा या मैं खींचूँगा, दोनों में एक काम होगा इंशाल्लाह, आपको वो भी दिखाएँगे। चले जी चले, हो गया अभी जी रेहड़ी भर चुकी है, हम भी लेके जाते हैं। ये जी हम अभी हमने आगे से रस्सी पकड़ी हुई है, तो अमन साहब जी इसको पीछे से धक्का लगा रहे हैं। तो हम इधर पहुंच चुके हैं, आप देख लें, ये हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे जी। लेकिन सबसे पहले हम वेट करेंगे दो मिनट, सबसे ठहरो एक मिनट, ठहरो एक मिनट। ये जी तो वो यहाँ पे रखो, आप देख लें ये स्लोप बनी हुई है सीढ़ी, इसके ऊपर लेके जाएंगे हम। तो बहुत मुश्किल से लेके जाएंगे, ये आसानी ये बड़ी हुई आप देख लें, नीचे नहीं फेंकी हमने, हमने आगे से धक्का लगाया, अमन साहब ने पीछे से धक्का लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए कामयाबी के साथ। अभी ये हिस्से के अंदर हम डालेंगे मिट्टी। ओ चले ठीक है, वो टायर पंचर है इसका, मैं कह भी रहा हूँ टायर पंचर है, चलो फेंको। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह जो है ना, ये आप जगह देख रहे हैं, ये बहुत आराम से इसमें अभी मिट्टी डालने वाली थी, इसलिए हमें आज अमन के साथ लिया हमने, क्योंकि अकेले में ये काम नहीं होने वाला जनाब। तो हम आज लगाने वाले हैं जी सरसों का साग। तो आपको सरसों का साग भी दिखाते हैं, उसका बी जी अल्हम्दुलिल्लाह सरसों का साग है, अब देख लें। सरसों का जो साग होता है वो है जी ये आज सरसों का साग लगाएंगे हमारे भट्ट साहब जी, अमन साहब। हम अभी इसको लेके जाते हैं नीचे, तो एक और रेडी हमें चाहिए, आ जाओ जी। तो जूता हमने उतार दिया जी, जूता हमने उतार दिया था ताकि जूता स्लिप ना हो इधर। ये बहुत ही बहुत जोर के साथ ऊपर चढ़ी है, वरना ये गिर जाने वाली थी। ये ना ज़रा खाना शाना खाता है लड़का हमारा, खुला खुला खाने का मतलब कि जहाँ से मिला खा लिया बस। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरी रेहड़ी लेके आते हैं जी। हम जी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी रेहड़ी लेके आ गए हैं अभी, अमन वो भर रहा है। तो ज़्यादा नहीं ना, वो दीवार के नाल ना ज़्यादा ला यार, इतों इतों थलो यार खोतना है वे, ए सारी मिट्टी है थलो ऐसे वाला ऐसे हाँ ऐसा दीवार के नाल ना ला मिट्टी नहीं। ये जी ताज़ी मिट्टी है नीचे से निकल रही है, ये साग के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें मिट्टी भी यही चाहिए थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिट्टी खुद की है, यह हमारी जाती अपनी है, ये किसी की मिट्टी हम चुरा नहीं रहे, हमारी अपनी मिट्टी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम इसको अंदर लेके आए हैं जी, बहुत जोर लगा, बहुत ज्यादा जोर लगा। चलो
हाँ ये बहुत ये मेहनत वाला काम है, आपने करना। चप्पलें भी उतारी इतनी गर्मी के अंदर। बस आप अल्हम्दुलिल्लाह जी हम ये दो रेडी लेके हैं मिट्टी की, तो इसको हम अभी कही के साथ ज़रा पदरी कर लेंगे। पदरी के बाद ये आप देख ही ले रहे हैं इतनी ऊंचाई है, बहुत मुश्किल से लेके हैं लेकिन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम। ये अभी इसको कही के साथ यार खैर है, कही करा के मरासियाँ से बाहर। ये बात लड़का ठीक कह रहा है, सही बात है। हम इसको अभी कंप्लीट करते हैं। और दूसरा हैंड पंप जी होता है जी, पंप होता है, पंप PUMP। तो हमारा आज का जी वो देखो वो जाफरान भी है, ये माशाल्लाह जाफरान भी तीन फूल हो चुके हैं, चौथा फूल बाहर अभी आ रहा है जी माशाल्लाह। आप ये तोड़ी देख लें, आप इसको देख के खुद अंदाज़ा कर लें अभी। हाँ माशाल्लाह देखें, ये तोड़ी खाने का भी ये मज़ा आएगा क्योंकि अभी ये पक्की नहीं है, छोटी है, इसका टेस्ट आएगा जी। तो अभी इसका काम बाकी जो वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। हमें जी लड़के ने कह दिया जी आपने नहीं करना, हम खुद करेंगे, तो लड़का अल्हम्दुलिल्लाह खुद कर रहा है अभी। तो ये नहीं हमने अभी नहीं इसको अभी ऐसे नहीं, जो ऊपर है पहले इसको तो यार करो ना, बाद में ऐसे करना, पहले इसको ऊपर वाली हिस्से को मिट्टी को पहले लेवल कर लो, वो बेहतर है। ये हिस्से के अंदर हम अभी सरसों का साग लगाएंगे, तो वो जो कोना वो बाकी है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कमेंट में कि वो कोने पे मैं क्या लगाऊं, कौन सा पौधा लगाऊं, आपका वेट अभी तक हो रहा है, आप मुझे कमेंट में बताएं कि वो कोने पे मैं क्या लगाऊं। तो ये हिस्से के अंदर तो आज मैं सरसों का साग लगाऊँगा, तो इंशाल्लाह खूबसूरत भी हो जाएगी जगह। और सर्दी भी आगे शुरू होने वाली है, सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह हम जी अल्हम्दुलिल्लाह आगे जी सर्दी शुरू होने वाली है, सर्दियों में हम साग भी खाएंगे लेकिन हम नहीं खा पाएंगे। ये जो एक मिट्टी के अंदर से ये कीड़ा निकला, ये आप बता सकते हो कोई कि ये कौन सा कीड़ा है? अगर किसी को मालूम है तो मुझे बताएं, कमेंट में लाजिम मैसेज करें जी। लेकिन मिट्टी कर दी हुई है अभी थोड़ा सारा, लेकिन मिट्टी कर दी हुई है अभी थोड़ा सारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने इसको लेवल कर लिया मिट्टी का, अभी ऊपर अमन डाल रहा है जी बीज का, सरसों का साग। और ये आप डाले अपनी जगह पर, वो साइड अमन की है, ये साइड मेरी है, तो बोलता है देखते हैं किसका ठीक रहेगा साग जी, तो मैंने कहा ठीक है जी चेक कर लेते हैं अभी। तो ये बीच में आप देख रहे हैं लाइन, ये लाइन में हमने लगाई हुई है जी। किसी को पता है ये कैसे लगता है, हम ठीक लगा रहे हैं किधर कैमरा करना पड़ा, किसी को पता है ये कैसे लगाते हैं तो हमें लाजिम कमेंट में बताएं कि हम गलत तो नहीं लगा रहे हैं, ठीक लगा रहे हैं। किसी को पता है तो हमें लाजिम बताएं कमेंट में आप। यार आपके कमेंट नहीं आ रहे इंडिया वालों, इंडिया में सबसे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं मुझे देखने को, पता मुझे चल रहा है वीडियो में सबसे ज़्यादा इंडिया में देखी जा रही है, लेकिन उधर से अभी व्यू इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह मुझे बताएं। तो ये जी हमने लगा दिया, ये जी शापर खाली हो गया चुका है। अब हमें इसको पानी लगाते हैं, अभी पानी लगाते हैं इसको हम। ये हिस्सा मेरा है और वो जो बीच में वो लाइन लगी हुई है सामने आप देख सकते हैं, वो हिस्से अमन की है, ये हिस्सा हमारा जी। तो अभी पानी लगाते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने काम कंप्लीट कर लिया अपना। तो अमन साहब सोच रहे हैं कि हम ये ऊपर से जो घास है ये उतार लें, घास घोस को नहीं लाने चलो करिए घास। यार ये थोड़ा थोड़ा उतार दो ना, ये घास मैंने कोशिश है थोड़ा थोड़ा उतार देगा अमन, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बात मान जाता है माशाल्लाह। वे होने लगे काम चले, मैंने आज इनकी कटिंग भी की है, मैंने इनका खाता। हाँ जी एक और बात, अमन भट्ट ने आज हमारी कटिंग की है तो दाढ़ी बनाया, लेकिन एक काम नहीं किया, इसने हमारा खत नहीं किया, नीचे ऊपर ब्लेड नहीं लगाया, बाकी इसने खत भी दाढ़ी भी बना दिया अच्छी लगी है, तो कटिंग भी इसने की है, इसी लड़के ने की है जी। तो अभी इसको मैं इधर लेके आया था कि सरसों का हमने साग लगाना है, हमारी हेल्प करवाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सरसों का साग तो लग गया अभी सामने आप देख रहे हैं। तो ये लड़के की मेहरबानी, इसने आज हमारा काम किया, हमारे काम आया है, ऑलरेडी भी आता भी है, ठीक है।
तो अभी जो इसको मैंने बोला था ये घास ऊपर से उतार दो, ये अच्छा नहीं लगता दरवाजे के बाहर। लेकिन ये अभी ज़्यादा लंबी वीडियो भी मैं व्लॉग नहीं बना सकता, क्योंकि ज़्यादा व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर आप लोग बहन भाई देखते भी नहीं। शॉर्ट वीडियो होती है अगर 7-8 मिनट की चलें आसानी से आदमी देख लेता है। तो ये अभी लड़का नहा लिया, इसने नलके के नीचे इसने नहा लिया, अभी सिर धोया, अभी नहाए तो नहीं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कुछ भी कचरा इधर पड़ा हुआ है हम इसको अंदर रखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह घर जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इधर ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई जान, बाय बाय। बाय बाय।